हेलो बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ मैथ ओलंपियाड का चैप्टर नंबर 5 ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। काफ़ी छोटा चैप्टर है, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे मैं साथ साथ बता दूंगा, ठीक है। पहले कह रहा है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। जब भी स्क्वायर कहेगा तो आपको नंबर के स्क्वायर जोड़ने हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। मतलब आपको इतने इतने के पेयर लेने हैं। तो पहले वन वाला पेयर लो, ये वन है अकेला। अगर हम इनको ए बी सी डी नाम दे दें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो वन वाले हो गए 12, वन वाले हो गए 12। अब 2 2 ज़ा 4, फोर वाले कितने होंगे, ए बी ई वाला 1, फिर एक ये दूसरा है ना। अब देखिए, और अब मैं दूसरी तीसरे क्लास आता हूँ। अब ये देखिए, ये तीसरा, ये थर्ड है ना, 4 का। फोर फोर के पेयर बताने हैं। अब देखिए, ये वाला फिफ्थ, और ये देखिए सिक्स्थ, तो 6 ही हो गए। अब अगला कौन सा आएगा, 9 वाला, इसको मैं डिलीट कर दूंगा वाला को। चलिए अब देखिए, 9 वाले 1 2 3 1 2 3 3 3, ठीक है। और एक ये बन जाएगा, तो 2 ये बन जाएंगे, तो 12 और 6 18 और 2 20, तो 20, तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज्ड फिगर, क्लोज मतलब पैक, क्लोज मतलब पैक, जहां से पानी ना निकले, ऐसे याद रखना। इसमें देखिए, तो खुली है यहां से, ये यहां से खुली है, ये यहां से खुली है, सिर्फ एच ही है जो हर तरफ से पैक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए थर्ड डैश, ये इमेज, ये सब क्या है, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स हो। क्वाड्रिलेटरल लिख लो क्लास, क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी 4 साइड्स हो, ट्राइंगल वो होता है जिसकी 3 साइड्स हो, पॉलीगन वो होता है जिसकी 3 साइड्स या ज्यादा हो, 3 साइड्स या ज्यादा हो। जैसे या तो 3 साइड वाला भी पॉलीगन होता है, 4 साइड वाला भी पॉलीगन होता है, 5 साइड वाला भी पॉलीगन होता है, 6 साइड वाला भी पॉलीगन होता है, 7 साइड वाला पॉलीगन होता है, 8 साइड वाला पॉलीगन होता है। पॉलीगन तो मतलब एक कॉमन नाम है। अब आप जैसे 3 साइड वाले को ट्राइंगल कह देते हो, 4 साइड वाले को आप क्वाड्रिलेटरल कह देते हो, 5 साइड वालों को हम पेंटागन कह देते हैं, 6 साइड वालों को हम हेक्सागन कह देते हैं, 7 वालों को हम हेप्टागन या सेप्टागन कह देते हैं, 8 वालों को ऑक्टागन कह देते हैं। तो ये जो सब है ना, ये इनके नाम है, जेनरिक नेम, ठीक। तो इसमें 4 साइड हैं, इसमें 3 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें 5 हैं, तो ये सब क्या है, हमारे पॉलीगन, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अब देखिए, ये एक लाइन 2 की है, तो ये भी, अब मैं डैश डैश शुरू करता हूं, देखिए ये डैश काउंट करेंगे, 1 2 2 3, सिर्फ बाहर वाले, और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। 22 लाइंस है बाहर में, बाहर वाले सिर्फ, और 22 × 2 = 44, 44, सही है। दोबारा से देखिए, मैंने क्या कहा, सिर्फ आउटर आउटर बाउंड्री, मैं कलर करके दिखाता हूँ आपको, आउटर बाउंड्री, जैसे ये आउटर आउटर, अंदर वाला कुछ नहीं लेंगे आप, अंदर नहीं लेंगे, अंदर नहीं जाएंगे कहीं पे भी, सिर्फ आउटर बाउंड्री, ये सब, ये तो, ये कितना है, तो हमने इनका टोटल कर दिया, क्योंकि एक लाइन 2 है ना, तो ये भी 2 होगा, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा भी 2 2 होगा, तो फिर हमने इनको ऐड कर दिया, तो 44। अगला जाइए, इन द गिवन फिगर व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर दैट मस्ट बी शेडेड सो दैट द गिवन फिगर बिकम सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब एक जैसी दोनों साइड। जैसे देखो, मैंने ये बनाया रेक्टेंगल, हमने ऐसे लाइन खींच दी, तो इसका ये वाला हिस्सा भी ऐसा, ये वाला हिस्सा भी ऐसा ही है, तो
तो ये सिमेट्रिकल है, जैसे कि ये सर्कल है और ये भी सर ऐसे ही है, तो दोनों एक जैसे हैं, तो ये क्या है, सिमेट्री है। तो अब इसमें कह रहा है कि कितने हम और शेड कर दें कि ये सिमेट्री बन जाएगा। देखिए यहाँ ब्लैंक, यहाँ भी ब्लैंक, यहाँ पिंक, बट यहाँ पिंक नहीं है, तो इसको तो मुझे पिंक करना ही पड़ेगा। तो एक तो ये मुझे करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ रेड, यहाँ रेड, यहाँ भी रेड, यहाँ भी रेड, यहाँ वाइट, यहाँ वाइट, यहाँ पिंक, यहाँ पिंक, यहाँ वाइट ऑलरेडी, यहाँ वाइट है, यहाँ पिंक है, यहाँ पिंक है, यहाँ वाइट है, यहाँ वाइट है, यहाँ पिंक है, यहाँ पिंक है। तो यहाँ पिंक था, मुझे मैच करने के लिए यहाँ पिंक करना पड़ा, तो ये शेड करना पड़ा, तो वन वन शेड करना पड़ा मुझे, तो वन इज द करेक्ट आंसर। और वन वाला आंसर कौन सा है मेरा, बी, फिफ्थ का बी। सिक्स आ जाओ, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस ट्राइंगल में कितने इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है बच्चों, बेस्ट तरीका ये होता है कि इनको ए बी सी डी नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच। पहले वन वाले कितने हैं, एच तक, एच यानी कि एट तक। टू वाले कितने हैं, अब देखिए टू वाले, एक तो ये, एक ये, एक ऐसे इधर से और एक ऐसे इधर से, मतलब टू वाले कौन कौन से हैं। अगर मैं नाम से आपको बिल्कुल बताऊं, बी सी, बी एफ, सी जी और एफ जी, ये चार ये वाले हैं। तो एट और फोर 12, थ्री वाला कोई नहीं है। आगे आ जाइए, सिलेक्ट एन इनकरेक्ट ऑप्शन, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसके तीनों साइड इक्वल हो, ऐसे वाला, उसमें थ्री लाइन सिमेट्री होती है। यस, फर्स्ट लाइन ये होती है, सेकेंड ये ऐसे होती है, और थर्ड ये होती है, तीन लाइन सिमेट्री की होती है, तीनों लाइन एक जैसी। अगर तीनों लाइन आप जहां भी खींच दोगे तो वो ट्राइंगल को दो इक्वल इक्वल पार्टों में डिवाइड कर देगी। तो ये बात तो ठीक है, ये तो करेक्ट है, पर हमेशा ये इनकरेक्ट, हमेशा ये इनकरेक्ट, तो ये आंसर तो नहीं होगा हमारा। ए रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड ऑफ इक्वल लेंथ। रेक्टेंगल वही होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल लेंथ की हो, तो ये बात भी करेक्ट है, तो यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अ स्क्वायर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर में कोई भी लाइन सिमेट्री की नहीं, क्यों नहीं है। अगर आपने स्क्वायर को ऐसे कर दिया तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल हो जाएगा। अगर आपने स्क्वायर को बीच से तोड़ दिया तो लेफ्ट वाला और राइट वाला इक्वल हो जाएगा। अगर आपने हॉरिजॉन्टल तोड़ दिया तो टॉप वाला बॉटम वाला जैसा हो जाएगा। स्क्वायर में तो फोर लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे भी तोड़ दो शायद, तो ये कह रहे नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यही है इनकरेक्ट और यही हमारा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज द हाइएस्ट पैरामीटर। पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, सम कर दीजिए। तो अगर हम इसका टोटल करें, 5 और 2 7, 7 और 5 12 और 2 14, 2 2 4 और 2 6, यहाँ 4 और 4 और 4 4 16, तो फिगर थर्ड का पैरामीटर सबसे ज्यादा है। विच लाइन इन द गिवन फिगर इज करेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। जहां पे जिस लाइन में दोनों साइड एक जैसी हैं वही करेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब देखिए यहाँ देखिए ए, अगर हम ए और बी देखें, यहाँ येल्लो, यहाँ येल्लो, यहाँ रेड, यहाँ रेड, लेकिन यहाँ येल्लो, यहाँ पर्पल, तो ए और बी तो नहीं है। आ जाओ ई और एफ, यहाँ रेड, यहाँ रेड, यहाँ येल्लो, यहाँ ब्लू, ई और एफ भी नहीं है। सी डी में आ जाओ, यहाँ रेड, यहाँ रेड, यहाँ येल्लो, यहाँ पर्पल, सी डी भी नहीं है। अब बची जी एच, यहाँ रेड, यहाँ रेड, यहाँ येल्लो, यहाँ येल्लो, यहाँ रेड, यहाँ रेड, यहाँ पर्पल, यहाँ पर्पल, यहाँ वाइट, तो जी एच इज द करेक्ट आंसर। जी एच के दोनों साइड एक जैसे हैं, जी एच के दोनों साइड एक ही तरह के कलर हैं, तो जी एच इज द करेक्ट आंसर। अब क्या कह रहा है, आई जे के एल एम एन ओ पी आर टू रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ के पी। के पी की लेंथ बतानी है, ये बताना है के पी कितना है। ये देखिए क्लास, ये रेक्टेंगल में ये 8 है तो नीचे भी 8 होगी, तो ये 5 है, ये कितने दिया, इतना हिस्सा 5 है, तो बाकी कितना हो गया 3, यहां से यहां तक 3 हो गया। अब देखिए ये पूरी 12 है, इतना 3 है, तो बाकी ये पूरी कितनी होगी, पूरी 12 करने के लिए तो 9 और चाहिए, तो के पी कितना हो गया 9। ठीक है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल लेंथ की होती है। स्टडी द फिगर केयरफुल्ली, विच लाइन इज पैरेलल टू लाइन ए बी एंड परपेंडिकुलर टू सी डी। परपेंडिकुलर मतलब ऐसे खड़ी हो, टी बनता हो, उल्टा टी, उल्टा टी, सीधा टी, लट्टा वटी, कैसे भी टी बन जाए, टी की शेप बन जाए, तो वो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब टी शेप, परपेंडिकुलर मतलब टी शेप, परपेंडिकुलर मतलब टी शेप, टी शेप, परपेंडिकुलर मतलब टी शेप, याद रखना, परपेंडिकुलर मतलब टी शेप। और पैरेलल मतलब दोनों एक एक के साथ एक, एक से उतनी ही दूरी पे, जैसे रेल की पटरी चलती है ना, वो के पैरेलल। तो कह रहा है कौन सी लाइन जो ए बी के पैरेलल है और सी डी के परपेंडिकुलर है।
वो कौन सी लाइन है जो सीडी पर तो टी बना रही है और ए बी के साइड में चल रही है। तो ए बी ये है मेरी, ये लाइन ये ए बी है, यहाँ से और यहाँ तक ये मेरी ए बी लाइन है, इसके पैरेलल कौन चल रही है, ये एस और टी। क्या ये सीडी पे पैरेलल है? यस, ये रही सीडी पे पैरेलल। यहाँ देखो यहाँ बन रहा है टी, ये बन रहा है टी, ये बन रहा है टी, ये इस स्टेप पे बन रहा है टी। तो वो आंसर हो गया मेरा एस और टी। तो लाइन एस टी। अब कह रहा है डायमीटर ऑफ सर्कल इज, देखिए सर्कल में अगर मैं सेंटर से एक लाइन मिला दूं इसकी बाउंड्री तक तो ये होती है इसकी रेडियस, ठीक है। और अगर मैं बाउंड सर्कल के दूसरे साइड में मिला दूं, दोनों साइड में मिला दूं, तो जो पूरी बड़े वाली लाइन बनती है वो होती है डायमीटर। बड़े वाले जो लाइन बनती है ये क्या होती है? डायमीटर। बड़े वाले लाइन क्या होती है? डायमीटर। जो लाइन सेंटर से जाती हुई दोनों बाउंड्री को टच करती है वो होती है डायमीटर। तो डायमीटर बड़ी है छोटी है? डायमीटर बड़ी है क्योंकि रेडियस तो आधी थी और डायमीटर पूरी है। तो डायमीटर इज ग्रेटर देन, कितनी होती है? 2 टाइम्स। वैसे कितनी बड़ी होती है? 2 गुना। डायमीटर रेडियस की दोगुनी होती है, ठीक है। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पी एंड रेक्टेंगल क्यू आर इक्वल, इनके पैरामीटर इक्वल हैं। देखो स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल है, स्क्वायर का ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। तो स्क्वायर का पैरामीटर कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर, 6 + 6 + 6 + 6। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो अगर ये 8 है तो ये भी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। तो 8 और 8 16 हो गया। 16 में मुझे एक तो ये वाली साइड जोड़नी है और एक ये वाली साइड जोड़नी है, दो साइड जोड़नी है। और मेरा कितना आ जाएगा? 24, क्योंकि उसने कहा पैरामीटर इक्वल है। तो दोनों साइड, तो 24 में 16 या 8, दो साइड 8 की हैं, तो एक साइड कितनी की होगी? 8 / 2, 8 * 4, तो ये भी 4 की और ये भी 4 की। अब आप इनका टोटल अगर करोगे तो 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, रेक्टेंगल उनका पैरामीटर क्या हो गया? इक्वल हो गया। और पैरामीटर मतलब क्या होता है? सम ऑफ द साइड। वी हैव प्लॉटेड 3 पॉइंट्स ऑन अ ग्रिड लाइन, द 3 पॉइंट्स टुगेदर मेक अ, ये देखो 3 पॉइंट है, अगर हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया तो क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन। हाउ मेनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक द गिवन सॉलिड? देखो एक क्यूब यहाँ है, एक इसके पीछे है, हर लाइन में 2 क्यूब है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 8 तो इसमें हो गए, फिर ऐसे 8 इसमें हो गए और 8 इसमें हो गए, तो 24 आगे आ जाइए। 16 देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पार्ट, द वर्ड इज शेडेड पार्ट। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ साइड, सम ऑफ साइड्स, लेकिन कौन सी साइड्स? आउटर साइड्स, हमेशा ध्यान रखना आउटर साइड्स, आउटर बाउंड्री। अब आपको शेडेड पार्ट की बतानी है। ये देखिए एक लाइन 1 की है, ठीक है, तो मुझे शेडेड पार्ट से शुरू करना है, तो शेडेड पार्ट से शुरू करता हूँ। 1, गौर से देखिएगा, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना हो गया? 18, 18 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि छोटा हिस्सा 1 है तो ये 1 और 1 2 होगा ये वाला। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री, किसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है जिसमें दोनों तरफ एक जैसा हो? देखो यहाँ नीचे 2 हैं, ऊपर तो एक भी नहीं है, तो ये तो, अब यहाँ देखो अगर मैं ऐसे खड़ा कर दूँ तो इधर 3 है, इधर 4 बॉक्स हैं, तो ये तो सिमेट्री नहीं है। अगर मैं यहाँ ऐसे बना दूँ तो यहाँ ऊपर 1 बॉक्स है, नीचे 2 बॉक्स हैं, तो ये भी सिमेट्री नहीं है। यहाँ देखो अगर मैंने खड़ी लाइन बनाई तो यहाँ 2 बॉक्स हैं या 3 बॉक्स हैं, ये भी नहीं है। डी में देखो अगर मैंने ऐसे लाइन बनाई, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ हाफ और यहाँ हाफ, तो डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डी में दोनों साइड एक जैसा ही है, डी का दोनों साइड एक ही जैसा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, लुक एट द गिवन डायग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वही टी शेप, कौन है वो जो टी शेप बना रहा है? टी शेप ढूंढ लो। देखो ये एल और एम बना रहे हैं ए बी के साथ, ये देखो ये बन रहा है टी, यहाँ ये बन रहा है टी, एल एम बना रहे हैं ए बी के साथ, तो ए बी एंड एल एम, 18 का सी सही है। और देखिए फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर, वही सम ऑफ ऑल साइड, पैरामीटर मतलब टोटल कर लो, तो 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24, 24 और 14 38, 38 और 14 52, तो 52 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फिगर्स कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 6 फेसेस, 6 फेस किस में है? स्क्वायर में,
स्क्वायर में सिक्स फेस होते हैं, पलट पलट के देख लेना। एवरीडे मैथमेटिक्स, अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 120 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड। तो कह रहा है ये 80 मीटर लॉन्ग, 120 मीटर लॉन्ग और 80 मीटर वाइड ये है, तो ये भी 120 होगा और ये भी 80 होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। व्हाट डिस्टेंस डिड अवंतिका कवर इन गोइंग फोर टाइम्स अराउंड द फील्ड। वो फोर बार गई, तो पहले अगर एक बार जाए तो उसका टोटल कर लो, तो 120 और 80 200, फिर दोबारा 200, 400 एक बार में जाती है, और चारों का टोटल कितना आ गया 400, और ऐसे ऐसे चार चक्कर तो 1600 मीटर। वरुण मेड अ शेप बाय फोल्डिंग द गिवन कार्डबोर्ड अलोंग द डॉटेड लाइंस। देखिए ये छोटे वाले स्क्वायर शेप में लग रहा है, ये भी स्क्वायर शेप है, तो फिगर भी कुछ स्क्वायर वाली बनेगी, और सिक्स बॉक्स हैं, 3, 4, 5, 6, और 6 मतलब क्यूब। आ जाइए, साहिल एज ए फील्ड इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, इसका एक रेक्टेंगल की शेप में फील्ड है। द लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब टू टाइम्स, ट्वाइस मतलब टू टाइम्स। कह रहा है लेंथ इसकी टू टाइम्स है, किसका, इट्स ब्रेथ का। इसका जो फील्ड है रेक्टेंगल की शेप का है, और उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ की टू टाइम है। द ब्रेथ इज 80 मीटर, ब्रेथ साइड में लिखी जाती है 80, और लेंथ उसका डबल है, तो 80 इंटू टू कर दो 200, 2 into 16, ये 160, ये भी 160 और ये 80। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फील्ड, तो पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, तो टोटल कर देंगे तो 480 मीटर। राघव हैज ए गार्डन इन द शेप ऑफ द गिवन फिगर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गार्डन। तो हम इसका भी वही टोटल कर देंगे 2 और 3, 5 और 3, 8 और यहाँ कुछ नहीं रखा है, यहाँ 3 लिख दो, क्योंकि देखो अगर ये 3 है तो ये भी कितनी होगी 3, 2 और 3, 5, 5 और 3, 8, 8 और 3, 11, 11 और 3, 14, 14 और 3, 17, 17 और 3, 17 और 3, 20। अब ये साइड नहीं हो पता, चलो कोई बात नहीं, 20, 20 और 9, 29, 29 और 5, 34, और ये कितनी 2 है, तो ये भी 2 होगी, 34, 2, 36 और 12, 48 से यहाँ तक आ गया, लेकिन अभी 48 से आ गया, ये तो छुट्टी हुई है। अब देखो पूरी ये 12 है, पूरी ये 12 है, तो 5 तो यहाँ पे आ गई, 3 यहाँ आ गई, तो ये कितनी होगी 5 और 3, 8, 4 और कम है तो 4 और दे दो, तभी तो 12 होगी, 5 और 3, 8 और 4, 12, और 4 अगर ये है तो ये भी 4 होगी, सही है। जितनी देखो फिर से समझो बच्चों, चलो 48 तो बाद में देखेंगे, ये अगर 12 है तो ये खड़ी वाली भी 12 होंगी, देखो ये, देखो ये 3 और ये 5, 8, तो ये जो अगर मैं इसका रेक्टेंगल बना दूं तो 12 करने के लिए मुझे कितनी और चाहिए 4, तो अगर ये 4 है तो इसके अपोजिट में ये वाली, ये भी कितनी होगी, ये भी तो 4 होगी। अब आप इनका टोटल कर लो, 48 तो सारा हो गया था, 4 ये हो गया, तो 52, तो डी इज द करेक्ट आंसर, सही है। जैसे हमने यहाँ करा था, अगर ये 3 है तो उसके अपोजिट में ये वाली भी कितनी होगी 3, जो उसके ऐसे दिख रही है। फॉर द प्रोजेक्ट सिम्मी कट अ पीस ऑफ पेपर इन टू अ शेप विद फोर साइड्स बट नन ऑफ देम आर सेम लेंथ, कोई भी सेम नहीं है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल नहीं है। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर नहीं है। पेंटागन मतलब जिसके अंदर 5 साइड्स हों, और क्वेश्चन कितनी साइड का है 4 साइड, तो वो क्या है क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल 3 साइड वाला, और जिसमें भी 4 साइड होंगी वो ऑटोमेटिकली क्या होगा क्वाड्रिलेटरल होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर अचीवर सेक्शन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल 26 देखिए। 5 आइडेंटिकल स्क्वायर, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे, सेम सेम साइज सेम लेंथ सब कुछ। 5 आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल्स आर पेस्टेड ऑन टू अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड एज शोन बिलो, व्हाट इज द पैरीमीटर, पैरीमीटर कितना है ऑफ द शेडेड पार्ट, इस पार्ट का जो शेडेड है ना, इस पार्ट का वो बताना है पैरीमीटर। अगर मैं इसकी बाउंड्री ड्रॉ करूँ तो इसकी बाउंड्री कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी, मैं इसको ब्लू कलर से ही बाउंड्री कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ईजी रहे चीज़ें। ये इस बाउंड्री वाली पार्ट की हमें बतानी है पैरामीटर। अब बच्चों गौर से देखना बिल्कुल ध्यान से, इसको हम जूम कर लेते हैं, देखिए
क्योंकि ये जो है ना, ये सारे एक स्क्वायर है, ये सब क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर में खास बात होती है ऑल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए अगर, और ये बाहर वाला रेक्टेंगल है, अगर ये पूरा 45 है तो इसके सामने वाले 45 होगा, पर यहाँ 30 है, तो बाकी ये जो देखिए, इसने स्क्वायर स्क्वायर वाला एरिया छोड़ दिया सर, तो स्क्वायर वाला जो ये बाकी एरिया है ये वाला, ये कितना होगा, पूरा 45 है, ये पूरा 45 है, लेकिन यहाँ 30 है, तो ये कितना होगा, 15। तो क्या ये बाद में कह सकता हूँ कि ये भी 15 होगा, है ना। अब अगर ये 15 होगा तो ये देखो, ये लाइन भी 15 होगी, ये लाइन भी 15 होगी, क्योंकि स्क्वायर है, आइडेंटिकल स्क्वायर है, ये भी 15 होगी और ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी, क्योंकि स्क्वायर की लाइन है, ये भी 15 होगी और ये भी 15 होगी। पर नीचे वाली लाइन का तो खैर हमें कुछ नहीं करना, इसको तो हटाई, उनको तो कुछ नहीं करना, हमें अपनी स्क्वायर की लाइन लिख ली। और क्लास ये भी 15 होगी, क्योंकि ये भी स्क्वायर की लाइन है ना, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए 90 से दे रखी है। अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये ऊपर वाली लाइन निकालनी है, ये ऊपर वाली लाइन कितनी होगी, ये वाली लाइन। गौर से अगर हम देखें तो अगर मैं इस लाइन को, ये जो लाइन है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं ऐसे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 15 है, तो ये भी 15 होगी, इसके ऊपर वाले इतना हिस्सा 15 होगा, इतना हिस्सा 15 होगा, इतना हिस्सा ये वाला, ये 19 होगा, इनका टोटल ये ऊपर चला जाएगा, तो हम अगर टोटल करें 15 15 15 15 15 और 15 और 15 और 15 और 19, है ना, तो 15 15 15 15 60 60 और 19 17, तो ऊपर वाली लाइन कितनी होगी, 79 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसी क्लास अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें, यहां पर भी अगर हम देखें तो ये 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15 और ये 19, तो ये भी 79 हो गई, मतलब सिर्फ हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लेटी भी लाइन है, तो लेटी भी लाइन भी 79 हो गई। अब वर्टिकल की बात करो, देखो हमारे पास ये अब टोटल के लिए अगर हमारे पास, इसको मैं यहां से मिटा दूं, अब मैं साइड में सॉल्व करता हूँ। देखो हमें बाउंड्री निकालनी है, 45 तो ये आ गई, 45 आ गई, एक ये ऊपर की 79 आ गई, दो आ गई, एक ये नीचे की हॉरिजॉन्टली अलग अलग, ये छोटी छोटी, ये वाली ये वाली वाली 15 15, चार बार 15 और एक 19, तो ये 79 आ गई। और अब देखो, अब हम देखते हैं खड़े करके वर्टिकल लाइंस देखते हैं हम, देखो अगर हम गौर से देखें बच्चों, तो ये सारी की सारी लाइंस, जैसे ये वाली हुई, ये एक्स्ट्रा हुई, ये एक्स्ट्रा हुई, ये एक्स्ट्रा हुई और ये वाली, अगर हम इनको थोड़ा सा बिल्कुल एक एक, इसको भी आगे बढ़ा दें यहाँ तक, तो यहाँ ऐसे ऐड हो जाएगी, इसको भी यहाँ तक बढ़ा दें तो यहाँ तक ऐड हो जाएगी, है ना, इसको भी मान लो मैं यहाँ तक ले आऊँ तो ये ऐसे ऐड हो जाएगी, इसको भी मैं यहाँ तक ले आऊँ तो ये भी ऐसे ऐड हो जाएगी, तो पूरी कितनी, इसके जितनी है ये, तो ये भी 45 हो जाएगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी, सारी छोटी छोटी लाइनें मिला के 45। अब हम इनको ऐड कर देंगे तो 45 45 90 90 और 80 और 80 160 250 248, तो 248 टोटल कर लिया मैंने, आप भी टोटल कर सकते हैं, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 248 सेंटीमीटर, 248 सेंटीमीटर। इसको देखिए दो बार फिर से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमेट्रिकल, कितने एक जैसे हैं अगर उनके दो पीस कर दिए जाए, तो इसके अगर मैं, सॉरी, इस ट्राइंगल के अगर मैं बीच में से दो पीस कर दूं, तो ये इधर से भी एक जैसे, इधर से भी एक जैसे, तो ये तो है। अगर मैं इस एरो के से लिटा के दो पीस कर दूं, तो ऊपर एक जैसा नीचे एक जैसा, तो ये भी है। स्टार के अगर मैं बीच में दो पीस कर दूं, तो स्टार भी है। यू में अगर ऐसे कर दूं, तो यू भी है। टी में अगर ऐसे कर दूं, तो टी भी है। इस मू को मैं ऐसे कर दूं, तो ये भी ऐसे है। इसको मैं ऐसे कर दूं, तो ये भी है। प्लस को ऐसे कर दूं, तो प्लस भी है। तो सारे के सारे हैं, दो चार छः आठ, आठों के आठों हैं। तो 27 का सी आ जाइए। 18, द गिवन फिगर इज ऑब्टेन्ड बाई प्लेसिंग अ रेक्टेंगल और ऑन द टॉप ऑफ अनदर आइडेंटिकल रेक्टेंगल। ये जो फिगर बनी है ना, ये ऐसे बनी है कि एक रेक्टेंगल के ऊपर एक और रेक्टेंगल टिका दिया,
लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 2 मीटर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फिगर। पैरामीटर बताना है। अब देखिए कह रहा है रेक्टेंगल के ऊपर, रेक्टेंगल मैंने रख दिया है, अब आपको बताना है पैरामीटर। क्या रख दिया? रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल। देखिए अगर इस लाइन को मैं यहां ले आऊं और इस लाइन को मैं यहां ले आऊं, यहां नहीं मैं इसको काउंट करूंगा, क्योंकि देखो मुझे क्या काउंट करना है, पैरामीटर। पैरामीटर मतलब होता है बाउंड्री। तो कितना काउंट करना है गौर से देखिएगा, मुझे ये करना है ए ये निकालना है, ये टोटल निकालना है, ठीक है, सिर्फ ये टोटल निकालना है। अब गौर से देखना, और ये मुझे पता है कि ये जो साइड है ये वाली, ये 2 सेंटीमीटर है। तो अब मैं क्या करूँगा बच्चों, देखो अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊँ और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तीन लाइन क्योंकि ये इसकी इक्वली है, तो ये कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। सेम नीचे से अगर देखो, ये ऐसे जाए और ये वाली मैं काउंट करूँ और ये वाली सिर्फ ये तीन काउंट करूँ मैं, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो, अब मैं इतना सुना गया, अब मैं इधर से चलना शुरू करता हूँ। अब मैंने ऐसे मैं अगर जाऊँ और इसको इधर काउंट करूँ, क्योंकि ये रेक्टेंगल की खड़ी हुई लाइन है, और इसको इधर से काउंट करूँ, तो ये भी कितनी है, क्योंकि रेक्टेंगल ही है ना, सेम पूरी लेंथ होगी ना, तो पूरी लेंथ होगी, देखो ये वाली यहाँ जाएगी ना, पूरी लेंथ की तरह रेक्टेंगल हो गया ना ये, तो ये कितनी होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई खड़ी हुई ब्लू वाली लाइन, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई, और ये भी देखो रेक्टेंगल खड़ा वैसे ही ऐसे 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 आ गया, ये एक लाइन यहाँ पे और ये खड़ी हुई लाइन और ये यहाँ पे लाइन, ये यहाँ पे आ गया, इसके इक्वल हो गया, तो ये कितनी होगी, पूरी तीनों ये सारी यहाँ तक, ये 5 सेंटीमीटर हो गई, तो कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे सर ये इस 2 सेंटीमीटर का तो कोई यूज़ हुआ ही नहीं, इसका यूज़ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने पूरा पूरा रेक्टेंगल काउंट कर लिया, पूरा रेक्टेंगल 5 का था, सही है। अगर हमें सिर्फ एक सिंगल रेक्टेंगल दिया होता, ये 2 और ये 5, तो 2 और 5 7, ये भी 2 हो जाता और ये भी 5 हो जाता, तब इस तरह निकल जाता, लेकिन रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल है, तो हमारा मेन पर्पज़ क्या है, हम रेक्टेंगल ढूंढें, क्या ढूंढें, रेक्टेंगल, सही है, इसलिए हमने रेक्टेंगल मैच कर लिया। अगर हम रेक्टेंगल मैच ना करते तो हमारा आंसर मैच नहीं होता। समझ में आ गया मैंने क्या किया? देखो मैंने ऐसे किया, मैंने कहा ये जो चौड़ी वाली लाइन है, ये जो सबसे बड़ी लाइन है, बड़ी वाली लाइन ये वाली है, ये वाली जो बड़ी वाली लाइन है, ये 5 है, पूरी 5 है, पर ढक गई वो, पर वो ढक गई। अगर ये पूरी हो जाती तो 5 हो जाती, तो जो कम रह गया वो वाली मैंने ये वाली लाइन काउंट कर ली, ये वाली लाइन काउंट कर ली है ना, तो 5 हो गया। मतलब इसको मिला के, इसको मिला के और इसको मिला के 5 हो गया। सेम मैंने ऐसे नीचे के वाले साथ के, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, ये 5 हो गया, ये तीनों लाइन मिलके 5 हो गया। अब जब मैंने ऐसे आना शुरू किया, इसको ये पूरा खड़ा हुआ पूरी 5 है लाइन, ये पूरी लाइन 5 है ना ये वाली, तो इसमें जो ये कम था मैंने ये वाली काउंट कर ली, तो ये भी 5 हो गया, और ऐसे मैंने इधर से काउंट कर लिया, ये पूरी 5 है, तो बाकी जो कम थी वो मैंने यहाँ से काउंट कर ली, तो 5 ही हो गई, तो 20। लेट्स सी, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, द गिवन फिगर इज मेड ऑफ 4 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स, 4 आइडेंटिकल रेक्टेंगल हैं, द पैरामीटर ऑफ द होल फिगर इज 88 सेंटीमीटर, चारों का पैरामीटर 88 है। देखिए 32 है, ये भी 32 है, तो 32 प्लस 32, ये तो मुझे पता ही नहीं, ये बी है और ये भी बी है, ब्रेथ है, प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 88, सम ऑफ ऑल साइड, तो 2 बार 64 प्लस 2b इज इक्वल टू 88, ये 64 यहाँ माइनस में चला जाएगा, 2b इज इक्वल टू 88 माइनस 64, तो 2b इज इक्वल टू 4 और 2, तो b इज इक्वल टू 12, तो पूरा b कितना आ गया, ये 12 आ गया, पूरा 12 है और चार पार्ट है, एक बी में चार है ना, ये चार हिस्से हो रहे हैं इसके, तो 12 को 4 से डिवाइड कर दो,
तो आ गया थ्री। एक पूछा ना फाइंड द ब्रेथ ऑफ ईच रेक्टेंगल, एक एक रेक्टेंगल की ब्रेथ होता हो, तो थ्री आ गया। द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल इज मेड अप ऑफ अ रेक्टेंगल द स्क्वायर एंड ट्राइंगल। कह रहा है कि जो फिगर है ये, इसमें एक स्क्वायर है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, इसका पैरामीटर बताओ। देखो ये स्क्वायर है, ये देखो ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल से लग रहा है। अगर ये सेवन है तो ये भी सेवन हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर है तो ये नाइन है, तो ये लाइन कितनी हो जाएगी नाइन, ये लाइन कितनी हो जाएगी नाइन, ये वाली कितनी हो जाएगी नाइन। और अगर ये देखो फोर और ये नाइन, थर्टीन, थर्टीन फाइव एटीन, ये एटीन हो जाएगी। अब हमें सिर्फ आउटर बाउंड्री ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है? आउटर बाउंड्री। अब आउटर बाउंड्री इस पर हम पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर तो मैंने लिख ही लिए, तो आउटर बाउंड्री में अंदर वाला नाइन नहीं आएगा और ये वाला नाइन भी नहीं आएगा। अब आउटर बाउंड्री से हम शुरू करते हैं। सेवन और फोर थर्टीन, थर्टीन और नाइन ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू और फिफ्टीन थर्टी सेवन, थर्टी सेवन और ट्वेल्व, थर्टी सेवन और ट्वेल्व फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन और नाइन फिफ्टी एट, फिफ्टी एट और फाइव सिक्सटी थ्री, सिक्सटी थ्री और सेवन सेवेंटी, सेवेंटी और एटीन एट्टी एट, एट्टी एट सेंटीमीटर। चलिए एक जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा आपको दोबारा टोटल ज़रूर करना है, ठीक है? मेरा 88 आ गया, मैं एक बार फिर से इसका टोटल कर लेता हूँ। देखिए दोबारा, सेवन और फोर इलेवन, इलेवन और नाइन ट्वेंटी, ट्वेंटी और फिफ्टीन थर्टी फाइव, थर्टी फाइव और ट्वेल्व फोर्टी सेवन, फोर्टी सेवन और नाइन फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी सिक्स और फाइव सिक्सटी वन, सिक्सटी वन और सेवन सिक्सटी एट और एटीन एट्टी सिक्स। इस बार एट्टी सिक्स आ रहा है। तो टोटल देखो यही यही बात है ना, टोटल दोबारा चेक करना है। सेवन फोर नाइन फिफ्टीन ट्वेल्व नाइन फाइव सेवन और एट्टीन, सेवन फोर इलेवन नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टी फाइव फोर्टी सेवन फिफ्टी टू फिफ्टी फिफ्टी सिक्स सिक्सटी वन सिक्सटी एट और एटीन एट्टी सिक्स, एट्टी सिक्स सेंटीमीटर। तो 86 सेंटीमीटर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी छोटा था, इसी के साथ ही चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट्स होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली बता दूं। ठीक, एग्जाम में आपको इस तरह भरने से 30 का डी आया था, एग्जाम में आपको 30 का डी इस सर्कल करनी है, इन सर्कल करने की प्रैक्टिस भी करनी है बच्चों, ऐसे सही है, ये जरूर प्रैक्टिस करा करो साथ में सर्कल करने की। ओके चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बाय बाय।